और योगी आदित्यनाथ का शानदार प्रदर्शन रहा अपने मंडल में, वो जीत के आए हैं, तो लेना देना हम लोग का किसी से नहीं, लेकिन ये असलियत बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में हार का कारण क्या था। तो ये तो एक जो प्रधानमंत्री मोदी की गलतियां थी वो जरा ये समझ लें। और अब आता हूँ मनीष जी, योगी आदित्यनाथ की गलती, ऐसा नहीं कि उनसे कोई गलती नहीं, वो भी कुछ दूध के धुले हैं, ऐसा नहीं है। उनसे 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 गलतियां, एक ही गलतियां नहीं हुई, उनसे एक ही गलती हुई, और एक ही गलती बहुत भारी पड़ी है, बहुत भारी पड़ी है। और मेरे ख्याल से योगी बाबा के अब समझ में आ रहा होगा, अब समझ में आ रहा होगा। मनीष जी जरा वो खबर दिखा दीजिए दोनों, उसके बाद बात करते हैं। बिल्कुल, चीजें तो एकदम से स्पष्ट हो रही है कि सचमुच योगी पर चुप्पी। और जब केजरी जेल जाने लगा तो सबसे ज्यादा गंध मचा करके हो गया हुआ था सर। जरा दर्शक ये खबर देख लें। अफसर नहीं थे मैं पढ़ जी, के सुना देता हूँ मनीष जी। मैंने ट्विटर पर लिखा कि पता नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह खबर याद है या नहीं, लेकिन इस खबर की कोख में छुपी है यूपी में भाजपा की करारी हार की ठोस वजह। और अब जरा दर्शकों को मैं वो खबर पढ़ के सुना देता हूँ कि ये खबर है मनीष जी, 4 नवंबर 2022, जब ये दोबारा मुख्यमंत्री बन के आए हैं। उसके बाद जरा हेडिंग देख ले दर्शक, कि अफसर नहीं सुनते हमारी कोई भी बात, 7 जजों के सामने लाचार दिखे महाधिवक्ता। नीचे मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है लाल से, कि शुरुआत का ही पैरा है कि प्रदेश, जरा कोई नेता नहीं कह रहा, कोई विरोधी नहीं कह रहा, कि प्रदेश के महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट व महाधिवक्ता जिला, मतलब, महाधिवक्ता मतलब व्यूअर जान ले, सरकार, यूपी सरकार, चीफ मिनिस्टर। हाँ कोर्ट ये कि के प्रदेश के अंदर महाधिवक्ता सरकार होती है, सरकार मतलब योगी आदित्यनाथ। जी सर, ये कि प्रदेश के महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट व जिला न्यायालयों में सुरक्षा व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं के विकास को लेकर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के 7 जजों की पीठ, बृहद पीठ के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं, इससे वह कोर्ट को ठीक से सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। महाधिवक्ता की इस टिप्पणी को बृहद पीठ ने बेहद गंभीरता से लिया और कहा कि यदि यही स्थिति है तो अगली सुनवाई पर अधिकारियों को स्वयं उपस्थित होना होगा। तो मनीष जी, ये हाई कोर्ट के अंदर जाके सरकार कह रही है कि अधिकारी हमारे नहीं सुन रहे। मैं किसी राजनेता की बात ही नहीं कर रहा हूं कि कोई नेता कहता, और ये कि उत्तर प्रदेश की नौकरशाही कितनी बेलगाम हो चुकी थी, ये उसका आज का जो परिणाम आया उत्तर प्रदेश का, ये भी उसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और इसका जिम्मेदार सिवाय योगी आदित्यनाथ के और किसी को नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन्होंने ही बेलगाम कर रखा है, उन्होंने ही बेलगाम कर रखा है। और इसीलिए मैंने किसी नेता का आरोप, कार्यकर्ता ने ऐसा कर दिया, फलाने का उसको नहीं कर रहा, यह जो हाई कोर्ट के अंदर प्रदेश का महाधिवक्ता ये कह रहा है, और 22 दिसंबर 22 नवंबर 2022 को कह रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है मनीष? और इसके जरा खामियाजा आप समझिए, इसके एक दो उदाहरण बता देता हूँ कि या अभी जो चुनाव आ रहे हैं लखनऊ से, लखनऊ जो रूरल एरिया है मोहनलालगंज सीट, वहां से केंद्र सरकार में मंत्री कौशल किशोर, जरा दर्शक सुनकर चौंकेंगे आप। और एक सामान्य सा कोई काम था और क्षेत्र का आदमी आया, उसने कहा कि एसडीएम से कहना, तो वो जब कौशल किशोर ने, जो केंद्रीय मंत्री, वो एक एसडीएम से पीसीएस लेवल का अधिकारी, उसको एक नहीं दो बार फोन किया, उसने दो टुकड़े मना कर दिया कि नहीं करूंगा, और नहीं किया उस आदमी ने। अब तो वो कौशल किशोर चुनाव जीतेंगे? और जाहिर सी बात है कि एसडीएम से कोई गांजे की तस्करी तो करा नहीं रहे थे, लेकिन वो इतना बेलगाम। और ये नौकरशाही बेलगाम क्यों है, अब इसका एक किस्सा और बताता हूँ मनीष जी, कि इससे पहले वो जैकी थे यहाँ पे कारागार मंत्री, और उन्होंने लखनऊ जेल का जेलर था, सुपरिंटेंडेंट, उसकी उन्होंने शिकायत की, उसके बाकायदे शासन में भेजी कि ये जो भी उसका भ्रष्टाचार था जो था, उसकी शिकायत लिख के भेजी, और उसने चैलेंज कर दिया जाके मंत्री को कि तुम अपनी कुर्सी बचाओ। और दर्शकों आपको सुनकर ताजुब होगा कि जैकी अपनी कुर्सी से हटा दिए गए, वो जेलर और सुपरिंटेंडेंट वही रहा। तो बिल्कुल। और इन सब ये चीजों, तो और जब योगी जब आदित्यनाथ जब वाले, आप पहली बार ये मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, आपने पहले भी नौकरशाही पे मुद्दा उठाया कि नौकरशाही लगातार पे उनका कहता, कोई कंट्रोल नहीं। बिल्कुल, आपने कई शो लगातार हम लोगों ने, लगातार कहता रहा हूं। और जरा मनीष जी, अब वो ट्वीट दिखा दीजिए आप, जरा ट्वीट दिखा दीजिए, जरा याद दिला दूं दर्शकों को, याद आ जाएगा उस दिन मैंने क्या क्या नहीं कहा था, आज जरा दिखाइए, क्योंकि अब बोलना बहुत जरूरी है कि अब तो नाश हो गया, जो नाश रोकने की तैयारी थी वो नाश हो गया, सब सब नाश हो गया। और इसमें हर आदमी जिम्मेदार है, हर आदमी जिम्मेदार। इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री मोदी से शुरू किया और योगी पे आ रहा हूं,
जरा योगी एक ट्वीट दिखा दीजिए मनीष जी, उसके बाद दर्शकों को खुद याद आ जाएगा, दर्शकों को आपने खुद फिर याद आ डाला है जाएगा। अभी अभी क्या? नहीं, जो हमने आपको भेजा था मनीष जी, जो आपको भेजा था ओके लाइक वाला, तो वो दर्शक कि नौकरशाही किस हद तक बेलगाम है और क्यों बेलगाम है, और इसका मतलब इससे समझिए कि पार्टी के सारे नेता, विधायक, मंत्री, में तो आपका एक मैंने अभी आपको जो किस्सा बताया, एक प्रदेश सरकार के मंत्री और एक केंद्र सरकार के मंत्री, एसडीएफ रैंक के पीसीएस की औकात, ये दूसरे फ्रेम में डांस चल रहा है तो हम वो वीडियो नहीं नहीं दिखाएंगे आपको, लेकिन नहीं, ये पहले आप हम खबर हाँ दिखा देते हैं जी। ये हाँ जरा एक खबर दिखा दीजिए मुझे। जेसीबी से गिराया जलता छप्पर, माँ बेटी जिंदा जली, ये कानपुर की और हाँ उस समय बोल चल बोल रहा है डांस, उस समय चल रहा है ये डांस। ओ जी, उस समय ये चल रहा है डांस। हर दर्शक को याद आ जाएगा कि ये पूरे देश में चली थी 2-3 दिन ये वायरल रही खबर, कि जिस समय माँ बेटी को जिंदा जला दिया सरकारी, कोई गुंडे नहीं जलाया था, कोई अपराधियों ने जलाया था, वो सरकारी अमला गया था मकान गिराने, किस तरह से वो पूरी घटना सबको मालूम है, हम लोग का पूरा एक एपिसोड इसमें था, और उस समय आया था कि कानपुर की डीएम, वो कानपुर देहात की डीएम जो थी वो डांस कर रही थी नेहा जैन और मनीष जी, क्योंकि बातें पुरानी हो जाती है, मैं जो कहता हूँ तो उसके परिणाम आपको सामने आते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि इस डीएम का कुछ नहीं होगा, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, और सबसे खास बात यह है कि क्योंकि इसको इसकी कार्रवाई कोई आईएएस करेगा, एक या 2-3 आईएएस मिलकर करेंगे, तो एक आईएएस मिलकर दूसरे आईएएस की जांच करेगा, तो उसका परिणाम यह है कि नेहा जैन आज भी मदमस्त है, बिल्कुल बेलगाम, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई, और नीचे स्तर के छोटे अधिकारी की भी नहीं हुई, वो अपराशी चपरासी लेवल के और जेसीबी ड्राइवर उनको हुई। और जरा बताएं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए प्रायश्चित का अवसर है कि उस परिवार को क्या राहत मिली, और ये जो पूरा अमला जिसमें माँ बेटी जिंदा जल गई थी, पूरा देश हिला था, और उस दिन मैंने कहा था कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो मनीष जी ने कहा कि लगातार हम लोग नौकरशाही को लेके, क्योंकि कुछ किस किस को क्या क्या सजा हुई, किसको, नेहा जैन को क्या सजा हुई, या उसके नीचे के अधिकारियों को जो वहां मकान गिराने गए थे उनको क्या सजा हुई, जरा बताएं। ये नहीं है मनीष जी, बिग जीरो है, तो वो तो माँ बेटी जिंदा जल गई, उनके जो माँ बाप और भाई बचे थे वो गरीब आदमी और नेतागिरी करने नहीं निकल सकते, लेकिन ये चीजें जो है ना अंतर मन में घुमा करती हैं जनता के, और वो पाप को वो रोज भोगते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक मंत्री की जब नहीं सुनी जा रही, उसको एसडीएम डांट के भगा रहा, जेलर बता रहा कि तुम्हारी कुर्सी चली जाएगी, उसकी कुर्सी चली गई मंत्री की, वो वहीं रहा, तो ये समझिए कि आम आदमी के साथ ये नौकरशाही क्या व्यवहार कर रही है। बिल्कुल, और इसीलिए ये परिणाम आया है, ये परिणाम यूं ही नहीं आया है, ये यूं ही नहीं आया है, ये यूं ही नहीं आया है, तो ये और इन गलतियों से अभी नहीं सीखेंगे। ये मुझे लगता है कि सर एक ऐसा दीवार पर एक ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों ने चिपकाई है, यदि इसे देखकर सचमुच यदि शो पीएमओ तक पहुंचता है, यदि चीजें उसका इम्पैक्ट होता है, क्योंकि मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से कई ऐसे लोग हैं जो हमारे साथी हैं, साथ काम किए हुए हैं, वो कहते हैं कि शो देख करके इसका इम्पैक्ट हम लोग भेजते हैं पीएमओ तक, और यदि ये जाता है तो निश्चित रूप से नेशन हित में हम उम्मीद करते हैं कि इसमें बड़ा बदलाव आएगा, और इस गलती ये गलती से यदि सीख ले पाए तो जो गलती से सीख लेने का अवसर 2004 में नहीं मिला था वो अवसर मिला है इनको। एक बता दूं मैंने कहा ना, योगी आदित्यनाथ की केवल एक ही गलती है, लेकिन वो बहुत भारी पड़ रही, बहुत भारी पड़ रही है, कि यहाँ पे सरकार माने अफसर, विधायक माने नौकर, सांसद माने नौकर, मंत्री माने नौकर, यानी मिलना दूभर है, मिलना दूभर है। और अच्छा ये तब हो, देखिए दिल्ली की बात करूंगा, केंद्र सरकार जब ये माँ बेटी जलाई गई थी उस समय मैंने केंद्र सरकार का उदाहरण भी दिया था यहाँ योगी आदित्यनाथ को, कि प्रधानमंत्री मोदी भी नौकरशाही पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं, लेकिन आज तक पिछले 10 साल के उनके शासनकाल के दौरान एक भी ऐसा प्रकरण सुनने में नहीं आया कि अफसर निरंकुश हो गया, नंगा नाचने लगा, यहाँ जिंदा चले जा रहे हैं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये क्या है ये, तो उसका खामियाजा ये है। और अभी एक तरह से इन इन नौकरशाहों पर जो पट्टी बांधी है योगी बाबा ने, ये अगर पट्टी नहीं उतारी तो 2027 में खतरे के घंटे के लिए तैयार रहे, घंटी बज चुकी है, घंटा बड़ा टनटना के बजेगा,
क्योंकि ये इस गलतफहमी तो उत्तर प्रदेश की जनता ने दूर कर दी कि डबल इंजन चाहे मोदी और डबल इंजन योगी दोनों थे उसकी, और की तो प्रधानमंत्री मोदी ने और ज्यादा ताकत लगा रखी थी, उनकी हार जीत का मामला था। तो 2027 में क्या होगा ये अनुमान आप बड़े आसानी से लगा सकते हो, ये आपको 2024 ने दिखा दिया। तो कोई गलतफहमी अगर 27 को लेकर पाल रहे हो तो ये जो पट्टी बंधी है, क्योंकि मनीष जी नौकरशाही सही दर्शकों को सही याद दिलाया मनीष जी ने कि इसको लगातार मैं कई बार कर चुका इस पे कि बेलगाम है, किसी की नहीं सुन रही, ना आरसद पार्षद या पार्टी ने, पार्टी के संगठन की तो छोड़ ही दीजिए, विधायक तरस रहा है मिलने के लिए, और विधायक से अगर कोई अफसर मिल ले तो बड़ा बेचारा कृतकृत्य हो जाता है कि चलो आज फलाने सचिव जी मुझसे मुलाकात तो कर ली। तो ये स्थिति है। और एक बार और जब प्रकरण हुआ था तो वो तो राज्य मंत्री ने बाकायदे दिल्ली जाके इस्तीफा दिखा था, अगर आपको याद हो, सिंचाई विभाग का साथ था, सिंचाई विभाग का जो राज्य मंत्री था। तो ये क्या हो रहा बिल्कुल, और है? इसीलिए हमने कहा कि यदि उस समय जो सतीश जी, हम लोगों ने लगातार, आपने मुझे लगता है 3-4 शो हम लोग नौकरशाही पे की थी, उस समय योगी यदि चेत जाते तो संभवतः ये हो जाता। प्रसून जोशी जैसे चमचों को लेकर के जो हमने मुद्दा उठाया था उस पर यदि चेत जाता। तीसरी चीज, एक और भ्रम मुझे लगता है कि मोदी जी को दूर हो जाना चाहिए कि वो किसी गधे कुत्ते किसी को भी यदि टिकट दे देंगे, किसी कृपा शंकर को यदि टिकट दे देंगे तो जनता कृपा कर देगी, ऐसा संभव नहीं है।